भिवानी से खबर। कृषि मंत्री ने रखी वीटा चिलिंग प्लांट की आधारशिला। गांव सलेमपुर में 5 करोड़ से बनेगा वीटा चिलिंग प्लांट। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। वीटा चिलिंग प्लांट की तैयारी कृषि मंत्री की ओर से इसकी आधारशिला रखी गई है। तमाम जानकारी दी गई है कि कैसे आने वाले समय में पशुपालन को लेकर इससे बढ़ावा मिलने वाला है, यानी कि वीटा चिलिंग प्लांट से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। लोहारू की बात हो या तो श्याम सतलानी, ये तमाम ऐसी जगह है जहाँ पशुपालकों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। किसानों की आय इससे दोगुनी होने की भी उम्मीद सरकार ने जताई है, यानी कि सरकार की नीति यही है कि किसानों की आय दोगुनी हो और प्रदेश को दूध उत्पादन में नंबर वन पर बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। जिला भिवानी के गांव सलेमपुर में हमारा जो बहुत ही मशहूर जो ब्रांड है वीटा दूध का, उसका प्लांट यहाँ मिल्क प्रोसेसिंग के लिए इसकी शुरुआत की गई है, इसका उद्घाटन हुआ है। और इस प्लांट के चालू होने के बाद आसपास के इलाके के किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कृषि के अलावा किसान की आमदनी बढ़ाने में पशुपालन ही सबसे मुख्य सहायक उद्योग है। पशुपालक जो है अपने दूध की यहाँ बिक्री करके अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं, और हरियाणा सरकार की नीतियाँ हैं उसकी वजह से 8 लाख पशुओं का हमने सस्ते रेट पर सिर्फ 25 रुपये या 100 रुपये में बीमा करवाया है। 55-60 करोड़ रुपए उनकी जोखिम को पूरा करने के लिए उनकी मृत्यु होगी उन पशुपालकों में बांटे हैं। और जो पशुपालक ऐसे भी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, केसीसी की तर्ज पर भारत सरकार की जो स्कीम है पशुधन क्रेडिट कार्ड, उसके लिए भी हमने लगभग 1000 करोड़ रुपये किसानों में बंटवाए हैं। तो कृषि मंत्री ने रखी वीटा चिलिंग प्लांट की आधारशिला। आने वाले समय में पशुपालकों को होगा इससे फायदा, और उसी के साथ कि राज्य जितने भी किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश हरियाणा सरकार की है, जिसके लिए तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और इससे भी उम्मीद है कि पशुपालन को आने वाले समय में इससे बढ़ावा मिलेगा। इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता इंद्रविश दुहन हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रविश, आपसे जानना चाहेंगे, आज कृषि मंत्री ने आधारशिला तो रख दी, लेकिन कैसे इस वीटा चिलिंग प्लांट से बेनिफिट मिलने वाला है किसानों को, पशुपालकों को, एक बार आप भी समझाएं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोहारू के सलेमपुर गांव में 5 करोड़ की लागत से वीटा चिलिंग प्लांट की आधारशिला रखी है, तो इससे आसपास के क्षेत्र में जो किसान पशुपालन का कार्य करते हैं और जो दुग्ध उत्पादन करने हैं उनके लिए एक स्टोरेज पॉइंट ये रहेगा, जहां से चिलिंग प्लांट के माध्यम से अन्य जगहों पर जो है दूध उचित तरीके से जो है उसको बेच पाएंगे, उचित कीमतों पे बेच पाएंगे। तो ये कोऑपरेटिव के तौर पे जिस प्रकार ये व्यवस्था की गई है, तो इससे क्षेत्र के पशुपालकों को खासा लाभ रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो ऐसे में पशुपालन और कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, तो उन किसानों के लिए काफी बेहतर आने वाले समय में होने जा रहा है। और सरकार की ये किसानों की आय जो है पशुपालन के माध्यम से दोगुनी करने की नीति भी चल रही है, उसी के तहत इस प्रकार से जो आधारशिला जो है वीटा चिलिंग प्लांट की रखी गई है, ताकि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं यहां पर मिल सके। जी ठीक है इंद्रवीर, शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो बेहतर सुविधा मिल सके पशुपालकों को, इससे सुविधा हो, पशुपालन को बढ़ावा मिले, किसानों की आमदनी दोगुनी हो, ऐसी तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए इस प्लांट वीटा चिलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई।